केजीएफ चैप्टर 2 जो कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप केजीएफ चैप्टर 2 का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल की हेल्प से। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है बुक माई शो। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने नंबर फर्स्ट पर इस तरीके की एप्लीकेशन शो होगी बुक माई शो की, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम इसको अब यहाँ से डायरेक्टली ओपन करते हैं। ओपन करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको इसमें लॉगिन करना होगा टिकट बुक करने के लिए। तो आप अपनी जीमेल आईडी की हेल्प से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं और मोबाइल नंबर के ज़रिए भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आपको लॉगिन कैसे करना है। तो आपको सबसे ऊपर एक स्किप का ऑप्शन दिखेगा, आपको स्किप पर क्लिक कर देना है। स्किप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि मतलब लोकेशन आपकी पूछ रहा है, आप ऑटोमेटिकली अपनी लोकेशन सेट करवाना चाहते हैं या मैन्युअली। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर मैन्युअली सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछ दे रहा होगा दूसरा सिलेक्ट मैन्युअली का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए सिलेक्ट योर सिटी का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपकी सिटी हो वो यहाँ पर डाल लेना है। जैसे हम इटावा में रहते हैं, हमारी सिटी का इटावा है, तो हम यहाँ पर इटावा डाल लेते हैं। जैसे ही मैंने इटावा सर्च किया तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो भी अपनी सिटी चूज करेंगे तो उसका नाम यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। जैसे मैंने इटावा किया तो इटावा आ गया है। तो हम यहाँ पर आपको नीचे सिटीज लिखकर आ रही हैं अदर सिटीज़ वाले सेक्शन में, इस पर आपको नीचे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मेरी जो लोकेशन है वो सेट हो गई है। अब यहाँ हमारे यहाँ पर देखिए केजीएफ चैप्टर 2 मूवी लगी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केजीएफ चैप्टर 2 का टिकट बुक कैसे करें, तो टिकट बुक करने के लिए आपको करना क्या होगा, मूवी का ऑप्शन दिख रहा है, आपको मूवी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मूवी पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। तो टिकट बुक करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है बुक नाउ बुक टिकट का, आपको बुक टिकट पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके का इन्फो का ऑप्शन आएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे आपके यहाँ जितनी भी टाकीज़ होंगी, जितने भी सिनेमा हॉल होंगे, जितने भी थिएटर होंगे, उनकी लिस्ट आ जाएगी। जहाँ जहाँ पर KGF 2 लगी होगी उन सब की लिस्ट आ जाएगी। जैसे हमारे इटावा में 2 थिएटर हैं और दोनों में ही ये लगी हुई है KGF चैप्टर 2, तो दोनों के आ गए हैं और सभी शो आ गए हैं। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अभी ये ऑरेंज टाइमिंग है, तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट फुल होने वाली हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए मैड मूवीज़ में ये बनकर आ गया है 12:30 PM पर, ब्लैक बनकर आ रहा है। तो अब ये ऑलमोस्ट यानी पूरी ये थिएटर है ये पूरा फुल हो चुका है, अब इसमें हमें टिकट देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर आपके यहाँ सीटें खाली होंगी तो देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 2 तारीख में, दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से ग्रीन सभी जितने भी बजे के शो होंगे वो यहाँ पर ग्रीन दिखाई देंगे। तो जैसे फ्रेंड देखिए यहाँ पर 14 अप्रैल का जो शो है सभी ऑलमोस्ट फुल होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज बनकर आ रहा है। अब आप दोस्तों बात आती है कि आपको टिकट कैसे बुक करना है, तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मुझे बुक करना है सैटरडे का बुक करना है। अब यहाँ से अगर आप फ्रेंड देखिए तारीख भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 14 अप्रैल को डेट मतलब 14 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो आप किस डेट में मूवी देखेंगे। तो जैसे मुझे 16 में देखनी है, मैं 14-15 को फ्री नहीं हूँ, मुझे 16 को देखनी है, तो हम 16 पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अब आपके सामने देखिए शोज़ आ जाएंगे जितने बजे के हो और जितने बजे का आपको देखना हो। जैसे दोस्तों हमें देखिए 9:15 बजे का देखना है शोज़, तो हम 9:15 पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा, आपसे ये पूछ रहा है कि आप कितनी सीट बुक करना चाहते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर एक सीट बुक करेंगे तो हम एक सीट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो टिकट है उसकी प्राइस लिखकर आ गई है लग्जरी
लग्जरी टिकट 249 का है और जो गोल्ड टिकट है वो 149 का है। अब आपको लेट सेलेक्ट सीट का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर जितनी भी ग्रीन बॉक्स दिख रहे हैं ये सब सीट हैं, और ये जो ब्लैक बनकर आ रही हैं ये फुल हो चुकी हैं, और ये जो ग्रीन ग्रीन इस तरीके से ये चौकोर हैं, लाइनिंग है, बॉर्डर है, ये सब अवेलेबल सीट है, अभी ये नहीं बिकी हुई हैं। तो दोस्तों जो भी आपको सीट देखना हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर ये 12वीं नंबर सीट है, हम इसको बुक करना चाहते हैं तो इस पर मैंने टैप कर दिया, और दोस्तों जैसे आप दो करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से जो जो सीट आप बुक करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद पेपर आपको क्लिक कर देना है। पेपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, क्योंकि दोस्तों जब टिकट बुक हो जाएगा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है, और नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है अपडेट डिटेल्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जितनी भी फीस लगेगी उसकी पूरी डिटेल्स निकल कर आ गई है। जैसे दोस्तों टिकट की प्राइस है 149 और कन्वेंट फीस 20 रुपये ज़्यादा लग रही है। अब कन्वेंट फीस में आपको क्या क्या ज़्यादा मिल रही है देखिए, जैसे कि 17 रुपये ऑनलाइन टिकट बुक करने का चार्ज लग रहा है और 3 रुपये GST लग रही है। ऐसे आपको 170 रुपये का टिकट पड़ रहा है। अब यहाँ पर 1 रुपया है यहाँ पर स्माइल का, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, तो मैंने रिमूव कर दिया। अब हमको 169 रुपये करने हैं पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनलॉक ऑफ़र और अप्लाई प्रोमो कोड्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ऑफ़र चल रहे हैं बहुत सारे। अगर आपके पास ICICI बैंक का है, यूनियन बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 20% का 25% का छूट मिल जाएगी टिकट बुक करने पर। डेबिट कार्ड है, अगर आपके पास इन में से किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है तो आपको छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको बैक करके वापस आ जाना है। अब दोस्तों जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन आ जाएंगे कि आप गिफ्ट वाउचर, रिडीम पॉइंट्स, पे लेटर, मोबाइल वॉलेट्स, जिससे भी आप करना चाहते हो उससे कर सकते हैं। जैसे हम UPI से करेंगे तो हम UPI पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए UPI ये पूछ रहा है किस UPI से आप करना चाहते हैं। जैसे हम अमेज़ोन पे से करेंगे तो हम अमेज़ोन पे पर क्लिक कर देते हैं। आप फ़ोनपे से करना हो तो आप फ़ोनपे पर क्लिक कर दीजिए। जैसे देखिए मैंने अमेज़ोन पर क्लिक किया तो ये मुझे डायरेक्टली अमेज़ोन पर ले गया है। अब यहाँ पर हम पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं, तो जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोसेसिंग चलने लगेगी। अब यहाँ पर आपको अपना UPI पिन डाल देना है, उसके बाद आपको देखिए प्रोसेसिंग चलने लगेगी और आपका जो ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप रिडायरेक्टली उसी पेज पर आ जाएंगे। अब आपके सामने इस तरीके से फीडबैक का ऑप्शन आएगा, आपको इसके पर क्लिक कर देना है। अब आपको देखिए टिकट बुक करने पर रिवार्ड भी मिलेगा, तो और आपका देखिए इस तरीके से टिकट आ गया है। यहाँ पर QR कोड दिया गया है, यहाँ पर देखिए टिकट बुक दिख रहा है, यहाँ पर देखिए फंक्शन नेम है हमारा टिकट बुक हो गया है, B12 लिख कर आ रहा है गोल्ड, यहाँ पर देखिए गोल्ड B12 सीट नंबर हमारा लिखकर आ रहा है। अब आपको करना क्या है, इस टिकट को लेकर आपको जाना है अपने नज़दीकी थिएटर जिसमें आपने बुक किया है और इसी टिकट को ऐसे दिखा देना है। अब दोस्तों ये तो अभी ऐसा पेज है डायरेक्टली आ गया, अब आप टिकट कैसे निकालेंगे जैसे वहाँ जाएंगे, तब आपको करना क्या है, आपको दोस्तों इसके होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका ऊपर अपकमिंग बुकिंग में आपका देखिए टिकट आ जाएगा इस तरीके से, व्यू टिकट पर आपको क्लिक करना है तो आपका इस तरीके से टिकट आ जाएगा। यहाँ पर फीस भी टोटल लिखकर आ जाएगी, यहाँ पर देखिए 169 रुपये है और इस QR कोड को वो लोग स्कैन करेंगे आप थिएटर में। अब दोस्तों जैसे अगर आपने जहाँ पर टिकट बुक किया है वहाँ पर कैंसिलेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो यहाँ पर कैंसिलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करके आप अपना टिकट कैंसिल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि हमारे जो थिएटर है इसमें कैंसिलेशन की स्थिति मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हमें अभी कैंसिलेशन नहीं कर सकते हम इस टिकट का, तो मैं आपको वरना दिखाता भी कि कैंसिल भी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने KGF चैप्टर 2 का टिकट बुक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन की हेल्प से ऑनलाइन KGF चैप्टर 2 या एनी अदर किसी भी मूवी का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट करके
करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने KGF चैप्टर 2 मूवी का टिकट बुक किया है या नहीं किया है। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।